त्रियुगी नारायण तीन लोगों को जीतने वाले भगवान विष्णु का 52 अवतार त्रेता युग में भाद्रपद की एकादशी को इसी जगह पर अदिति माँ के गर्भ से जन्म हुआ था। मंदिर त्रियुगी नारायण उत्तराखंड में उच्च हिमालय में स्थित है। ये मंदिर जो ये स्थान है ये नारायण क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पे भगवान शंकर जी का विवाह हुआ है। जो ये मंदिर है इसकी एक जो पौराणिक दंत कथा और इसका उल्लेख स्कंद पुराण उत्तराखंड में है। जब बताते हैं कि जब एक बार राजा बलि हुए थे उन्होंने सारे ब्राह्मण को जीत लिया था, स्वर्ग की उनकी कामना थी, तो सारे देवता लोग ऋषि लोग इस स्थान पर आके उन्होंने भगवान विष्णु की तपस्या किया। फिर यहाँ पे माता अदिति के गर्भ से विष्णु भगवान का 52 अवतार हुआ। त्रियुगी नारायण का इसलिए भी महत्व है कि त्रेता युग में भगवान शिव और पार्वती की शादी इसी जगह पर भगवान त्रियुगी नारायण को साक्ष करते हुए इसी जगह पर राजा हिमालय जिनकी पुत्री पार्वती और माँ इनकी जो है मैना थी ने अपने पुत्री पार्वती का कन्यादान भगवान विष्णु को साक्षी करते हुए इसी जगह पर दिया था। यहाँ पे ये तीर्थ त्रियुगी नारायण में जो ये धुनि है ये यहाँ की ताकत यहाँ का शक्त है। बताते हैं कि जब भगवान शंकर जी का विवाह हुआ था तो ऋषि मुनियों द्वारा प्रज्वलित मंत्रों द्वारा प्रज्वलित अग्नि, तो इस अग्नि की ही जो धुनि है उसी अग्नि को लेके बाहर में यज्ञ कुंड में प्रज्वलित की जाती है और उसी के सप्त फेरे लिए जाते हैं। माँ पार्वती की जहाँ पे शादी हुई उसे धर्मशिला पे राजा लोगों ने मोर मोतियों का दान किया था, लेकिन अब सूक्ष्म समय में जो है एक धर्म को मानते हुए थोड़ा सी पूजा की थाल लेकर के वहाँ पे कन्यादान होता है। ये कन्यादान इतना महत्व का है कि हर कोई यहाँ आकर के कन्यादान कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे विधिवत और नियम हमारे भारतीय हिंदू संस्कृति के अनुसार जो है शादी होती है। धर्मशिला पे आपकी सुहाग की पूजा होती है, विवाह संस्कार किया जाता है, कन्यादान किया जाता है और अंत में जो है सप्त फेरे जो है जो अंदर भगवान त्रियुगी नारायण का मुख्य मंदिर है उसके सामने धनंजय नाम की अग्नि है जो त्रेता युग में स्वतः ही उत्पन्न हो गई थी, उसी अग्नि के फेरे भगवान शिव ने और पार्वती ने भगवान विष्णु को साक्षी करते उसी जगह पे जो है माँ पार्वती ने सप्त फेरे लिए थे। सुबह घड़ी सुबह लगना आई
very important thing in any person's life when you decide to get married and you declare that holy union. So it's equally important to decide a place where you want those auspicious things to happen. So I was fortunate enough, you know, I consulted my brother's wife, my bhabhi, and I said, I'm getting married. And she said, you can go to Triyuginarayan, because even her times, you know, she had planned to get married here. But unfortunately, due to some pressing circumstances, she could not come. Then I did my basic research on Google and other mediums, and I got to know about the piousness of this place. It's a very, very religious place in Uttarakhand. The skies are really blue and the snow-capped Himalayas. Nothing can be better. So you know, it's just blessings of God that you can take. It's not about how much money you spend and, you know, what materials you give to each other. I think it's more about the feelings, which are very, very sacred. And this place gives us a lot of